हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम गार्डन वर्क में सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आड़ू की हार्वेस्टिंग करेंगे। आड़ू हमारा पक गया है। दोस्तों, आड़ू अगर आपका आड़ू पक जाए तो आड़ू का कलर कुछ इस तरीके हो जाता है। ठीक है, हल्का रेड में होने लगता है। तो इस तरीके से आड़ू आपका जब पक जाए तो इसकी हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि आड़ू जो है ज़्यादा पकने पर आड़ू ख़राब होने लगता है। तो आज हम आड़ू की हार्वेस्टिंग करेंगे। दोस्तों, आड़ू को पकने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि आड़ू की हार्वेस्टिंग अब हमारी आने वाली है। तो आज से हम हार्वेस्ट करेंगे दोस्तों, और हम नेक्स्ट टाइम के लिए पौधे को फिर से तैयार करेंगे। तो अगले बार दोस्तों हम इस प्लांट को दूसरे पॉट में रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि पौधा गमला दोस्तों हमारा ये छोटा है, थोड़ा इसको हम बड़े पॉट में रिपोर्टिंग करेंगे। तो इसमें जब फ्रूट आएंगे और ज़्यादा मात्रा में फ्रूट आएंगे, तो जो भी हमारे फ्रूट लगे हुए हैं उनको आज हार्वेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे सारे फ्रूट पक चुके हैं। तो मैं आड़ू का आपका दिखाना चाहता हूँ। सीड्स देखें, ये सीड्स हमने दो फ्रूट तोड़ लिए थे, क्योंकि ये पक चुके थे। और इसके जो है सीड्स देखें, बादाम जैसे होते हैं, और इसके एक खोल होती है, इसके अंदर एक और सीड्स होता है। तो इसके जो है खोल सख्त होती है, तो इस तरीके से इसके आड़ू के सीड्स होते हैं। तो आज आड़ू की हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे दोस्तों। ये जो पके हुए आड़ू हैं उसको मैं तोड़ लूँगा। तो ये देखो, आड़ू हमारा पक चुका है। इस तरीके से कुछ कलर हो जाता है। देखो, इस तरह के कलर कुछ अलग है, इसका कलर कुछ और है। तो इस तरीके से जो भी आड़ू पक गए हैं उनको हम सब तोड़ लेंगे। ठीक है, ये देखो, ये इन सबको तोड़ लेंगे जो पक गए हैं। ये देखो, ये दबने लगा है, तो जो पके हुए आड़ू हैं उनको सब तोड़ लेंगे। ये तो जो भी पक गए हैं उनको सारे तोड़ लेंगे। हमने देखो 5 फ्रूट तोड़ लिए हैं आड़ू के। और दोस्तों, ये बहुत टेस्टी हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो इसलिए काफ़ी ये, इसमें करीब 8 फ्रूट लगे थे, 9 फ्रूट थे दोस्तों, और हमने 5 फ्रूट तोड़ लिया है। 2 फ्रूट हमारे अभी लगे हुए हैं, अभी शायद ये कुछ कच्चे हैं, इनको कुछ दिन बाद हम हार्वेस्टिंग करेंगे, 1 से 2 दिन में, क्योंकि ये पूरी तरह से पके नहीं हुए हैं, कच्चे हैं। तो इनको हम 1 से 2 दिन बाद हार्वेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, आड़ू को आप गमले में लगा सकते हैं। आप देखो, मैंने पहली बार आड़ू ये फ्रूटिंग तोड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने गमले में आड़ू को लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे एक बार लगाएं। जब भी आप प्लांट को लगाएं दोस्तों, तो आप ग्राफ्टेड ही प्लांट लगाएं। इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, तो जो भी वैरायटी आपको पसंद हो वो वैरायटी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने इसको छत पर लगाया हुआ है, और 15x15 के ग्रो बैग में इसको लगाया हुआ है, और इसमें 8 से 10 आड़ू आए हुए थे दोस्तों। इसे जैसे जैसे हमारा प्लांट ये आगे चल के बड़ा होगा, इस तरीके से इसमें ज़्यादा फ्रूट आएंगे। तो दोस्तों, हमारी ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग है। तो इसे दोस्तों हम काट के वह दिखाएंगे कि इसका फ्रूट्स कैसे है। तो चले, इसको हम काटते हैं। तो 2 फ्रूट्स हमने कट कर दिया है। देखें, इसके अंदर का सीड्स देखें, कुछ इस तरीके इसका सीड होता है। तो इसका सीड वो दोस्तों सख्त होता है, इसको सीड्स को भी ग्रो किया जा सकता है, पर इसके ऊपर की खोल को आप निकालना पड़ेगा, तभी ये आसानी से ग्रो हो पाएगा। तो दोस्तों, इसका सीड से आप ग्रो करके पौधा बना सकते हैं, पर दोस्तों इसके सीड से पौधा बनाने में आपको फ्रूट आने में बहुत समय लगेगा। तो आप जब भी नर्सरी से ही आप ग्राफ्टेड प्लांट ले लें, वो लगाएंगे, जल्दी फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत टेस्टी खाने में होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।